साथियों, इस संवाद के बाद मुझे इस बात का संतोष है कि हमने जिस उद्देश्य से स्वागत को शुरू किया था वो पूरी तरह से सफल हो रहा है। इसके जरिए लोग ना सिर्फ अपनी समस्या का हल पा रहे हैं बल्कि राकेश जी जैसे लोग अपने साथ ही सैकड़ों परिवारों की बात उठा रहे हैं। मेरा मानना है कि सरकार का व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि सामान्य मानवी उससे अपनी बातें साझा करे, उसे दोस्त समझे और उसी के द्वारा हम आगे बढ़ते हुए गुजरात में, और मेरी खुशी है कि आज भूपेंद्र भाई भी हमारे साथ है। मैं देख रहा हूँ कि जिलों में कुछ मंत्रीगण भी हैं, अधिकारीगण भी दिख रहे हैं, अब तो काफ़ी नए चेहरे हैं, मैं बहुत कम लोगों को जानता हूँ। गुजरात के करोड़ों नागरिकों की सेवा में समर्पित स्वागत 20 वर्ष पूरे कर रहा, और मुझे अभी अभी कुछ लाभार्थियों से पुराने अनुभवों को सुनने का, पुरानी यादों को ताज़ा करने का मौका मिला और देख रहा हूँ कितना कुछ पुराना आँखों के सामने से घूम गया। स्वागत की सफलता में कितने ही लोगों का अनवरत श्रम लगा है, कितने ही लोगों की निष्ठा लगी है। मैं इस अवसर पर उन सभी लोगों को धन्यवाद करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। साथियों, कोई भी व्यवस्था जब जन्म लेती है, तैयार होती है, तो उसके पीछे एक विजन और नियत होती है। भविष्य में वो व्यवस्था कहां तक पहुंचेगी, उसकी ये नियति एंड रिजल्ट उसी नियत से तय होती है। 2003 में मैंने जब स्वागत की शुरुआत की थी तब मुझे गुजरात में मुख्यमंत्री के रूप में बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ था। उसके पहले मेरा वर्षों का जीवन कार्यकर्ता के रूप में बीता था, सामान्य मानवियों के बीच में ही अपना गुजारा हुआ था। मुख्यमंत्री बनने के बाद आमतौर पर लोग मुझे कहते थे, और आमतौर पर ये बोला जाता है, हमारे देश में अनुभव के आधार पर लोग बोलते रहते हैं कि भाई एक बार कुर्सी मिल जाती है ना, फिर सब चीजें बदल जाती हैं, लोग भी बदल जाते हैं, ऐसा मैं सुनता रहता था। लेकिन मैं मनोमन तय करके बैठता था कि मैं वैसा ही रहूंगा जैसा मुझे लोगों ने बनाया है। उनके बीच जो सीखा हूं, उनके बीच से मैं जो अनुभव प्राप्त किए हैं, मैं किसी भी हालत में कुर्सी की मजबूरियों का गुलाम नहीं बनूंगा। मैं जनता जनार्दन के बीच रहूंगा, जनता जनार्दन के लिए रहूंगा। इसी दृढ़ निश्चय से स्टेट वाइड अटेंशन ऑन ग्रीवेंसीज बाय एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी स्वागत का जन्म हुआ। स्वागत के पीछे की भावना थी सामान्य मानवी का लोकतांत्रिक संस्थाओं में स्वागत। स्वागत की भावना थी विधान का स्वागत, समाधान का स्वागत। और आज 20 वर्ष बाद भी स्वागत का मतलब है ईज ऑफ लिविंग, रीच ऑफ गवर्नेंस, ईमानदारी से किए गए प्रयासों का परिणाम है कि गवर्नेंस के इस गुजरात मॉडल की
पूरी दुनिया में अपनी एक पहचान बन गई। सबसे पहले इंटरनेशनल टेलीकॉम ऑर्गेनाइजेशन ने इसे ई ट्रांसपेरेंसी और ई अकाउंटेबिलिटी का उत्कृष्ट उदाहरण बताया। उसके बाद यूनाइटेड नेशंस ने भी स्वागत की तारीफ की। इसे यूएन का प्रतिष्ठित पब्लिक सर्विस अवार्ड भी मिला। 2011 में जब कांग्रेस की सरकार थी, गुजरात ने स्वागत की बदौलत ई गवर्नेंस में भारत सरकार का गोल्ड अवार्ड भी जीता और यह सिलसिला लगातार चल रहा। भाइयों बहनों, मेरे लिए स्वागत की सफलता का सबसे बड़ा अवार्ड यह है कि इसके जरिए हम गुजरात के लोगों की सेवा कर पाए। स्वागत के तौर पर हमने एक प्रैक्टिकल सिस्टम तैयार किया। ब्लॉक और तहसील लेवल पर जन सुनवाई के लिए स्वागत की पहली व्यवस्था की। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिलाधिकारी को जिम्मेदारी दी गई और राज्य स्तर पर यह जिम्मेदारी मैंने खुद अपने कंधों पर ली थी और इसका मुझे खुद को भी बहुत लाभ हुआ। जब मैं सीधी जन सुनवाई करता था तो मुझे आखिरी छोर पर बैठे हुए लोग हैं, सरकार से उनको लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लाभ उनको पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, सरकार की नीतियों के कारण उनके कोई मुसीबतें बढ़ तो नहीं रही हैं, किसी स्थानीय सरकारी अधिकारी की नियत के कारण वो परेशान तो नहीं है, उसके हक का है लेकिन कोई और छीन रहा है, उसके हक का है लेकिन उसके मिल नहीं रहा है। ये सारे फीडबैक मुझे बहुत आसानी से नीचे से मिलने लगे और स्वागत की ताकत तो इतनी बढ़ गई, उसकी प्रतिष्ठा इतनी बढ़ गई कि गुजरात का सामान्य नागरिक भी बड़े से बड़े अफसर के पास जाता था और अगर उसका कोई सुनता नहीं, काम नहीं होता, वो बोलता था ठीक है आपको सुनना है तो सुनो, मैं तो स्वागत में जाऊंगा। जैसे ही वो कहता था कि मैं स्वागत में जाऊंगा, अफसर खड़े हो जाते थे, उसको कहते आओ बैठो बैठो और उसकी शिकायत लेते लेते थे। स्वागत ने इतनी प्रतिष्ठा प्राप्त की थी और मुझे जन सामान्य की शिकायतों की, मुसीबतों की, तकलीफों की सीधी जानकारी मिलती। और सबसे ज्यादा मुझे उनकी तकलीफों को हल करने के कर्तव्य पालन का एक संतोष भी होता था। और हम बात यहां से रुकती नहीं थी, स्वागत कार्यक्रम तो महीने में एक दिन होता था लेकिन काम महीने भर करना पड़ता था क्योंकि सैकड़ों शिकायत आती थी और मैं इसका एनालिसिस करता था। क्या कोई ऐसा डिपार्टमेंट है जिसकी बार बार शिकायत आ रही है, कोई ऐसा अफसर है जिसकी बार बार शिकायत आ रही है, कोई ऐसा क्षेत्र है जहां बस शिकायतें शिकायत भरी पड़ी है, क्या नीतियों की गड़बड़ के कारण हो रहा है, किसी व्यक्ति की नीयत के कारण गड़बड़ हो, सारी चीजों का हम एनालिसिस करते थे। आवश्यकता पड़े तो नियम बदलते थे, नीतियां बदलते थे ताकि सामान्य को नुकसान न हो, और अगर व्यक्ति के कारण परेशानी होती थी तो व्यक्ति की भी व्यवस्था करते थे। और उसके कारण स्वागत ने जन सामान्य के अंदर एक गजब का विश्वास पैदा किया था और मेरा तो विश्वास है लोकतंत्र का सबसे बड़ा तराजू जो है लोकतंत्र की सफलता का तलाने का, एक महत्वपूर्ण तराजू है कि उस व्यवस्था में पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल कैसा है, जन सामान्य की सुनवाई की व्यवस्था क्या है, उपाय की व्यवस्था क्या है, ये लोकतंत्र की कसौटी है। और आज जब मैं देखता हूं कि स्वागत नाम का ये बीज आज इतना विशाल वटवृक्ष बन गया है तो मुझे भी गर्व होता है, संतोष होता है
और मुझे खुशी है कि मेरे पुराने साथी जो उस समय स्वागत कार्यक्रम को संभालते थे मेरे सीएम ऑफिस में, एके शर्मा, उन्होंने आज इकोनॉमिक टाइम्स में इस स्वागत कार्यक्रम पर एक अच्छा आर्टिकल भी लिखा है, उस समय के अनुभव लिखे। अब आजकल तो वो भी मेरी दुनिया में आ गए हैं, वो भी राजनीति में आ गए, वो मंत्री बन गए उत्तर प्रदेश में, लेकिन उस समय वो एक सरकारी अफसर के रूप में स्वागत के मेरे कार्यक्रम को संभालते थे। साथियों, हमारे देश में दशकों से ये मान्यता चली आ रही थी कि कोई भी सरकार आए उसे केवल बनी बनाई लकीरों पर ही चलते रहना होता है, वो समय पूरा कर देते थे, ज्यादा ज्यादा कहीं जाके फीते काटना, दिए जलाना, बात पूरी। लेकिन स्वागत के माध्यम से गुजरात ने इस सोच को भी बदलने का काम किया है। हमने ये बताया कि गवर्नेंस केवल नियम कानूनों और पुरानी लकीरों तक ही सीमित नहीं होती, गवर्नेंस होती है इनोवेशन से, गवर्नेंस होती है नए आइडिया से। गवर्नेंस से प्राणहीन व्यवस्था नहीं है, गवर्नेंस से जीवंत व्यवस्था होती है, गवर्नेंस एक संवेदनशील व्यवस्था होती है, गवर्नेंस ये लोगों की जिंदगियों से, लोगों के सपनों से, लोगों के संकल्पों से जुड़ी हुई एक प्रगतिशील व्यवस्था होती है। 2003 में जब स्वागत की शुरुआत हुई थी तब सरकारों में टेक्नोलॉजी और ई गवर्नेंस को उतनी प्राथमिकता नहीं मिलती थी, हर काम के लिए कागज बनते थे, फाइलें चलती थी, चलते चलते फाइलें कहां तक पहुंचती थी, कहां हूं गुम हो जाती थी, किसी को पता ही नहीं होता था। अधिकतर एक बार एप्लीकेशन देने के बाद फरियादी की बाकी जिंदगी उस कागज को खोजने में ही निकल जाती थी। वीडियो कॉन्फ्रेंस जैसी व्यवस्था से भी लोग बहुत कम परिचित थे। इन परिस्थितियों में गुजरात ने फ्यूचरिस्टिक आइडियाज पर काम किया और आज स्वागत जैसी व्यवस्था गवर्नेंस के कितने ही सॉल्यूशंस के लिए प्रेरणा बन चुकी है। कितने ही राज्य अपने यहां इस तरह की व्यवस्था पर काम कर रहे हैं। मुझे याद है कई राज्य के डेलीगेशन आते थे, उसका अध्ययन करते थे और अपने यहां शुरू करते थे। जब आपने मुझे यहां दिल्ली भेज दिया तो केंद्र में भी हमने सरकार के काम के की समीक्षा के लिए प्रगति नाम से एक व्यवस्था बनाई है। पिछले 9 वर्षों में देश के तेज विकास के पीछे प्रगति की एक बड़ी भूमिका है। एक कंसेप्ट भी स्वागत के आइडिया पर ही आधारित है। प्रधानमंत्री के तौर पर प्रगति की बैठकों में मैं करीब 16 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट की समीक्षा कर चुका हूं। इसने देश की सैकड़ों परियोजनाओं को गति देने का काम किया है। अब तो प्रगति का प्रभाव यह है कि जैसे ही कोई परियोजना इसमें समीक्षा के लिए लिस्ट पे आती है, उससे जुड़े अवरोध सभी राज्य धमाधम उसको समाप्त कर देते, ताकि जब एक्चुअली मेरे सामने आए तो कहे कि साहब 2 दिन पहले काम हो गया है। साथियों, जैसे एक बीज एक वृक्ष को जन्म देता है, उस वृक्ष से सैकड़ों शाखाएं निकलती हैं, हजारों बीजों से हजारों नए वृक्ष पैदा होते हैं, वैसे ही मुझे विश्वास है स्वागत का ये विचार बीज गवर्नेंस में हजारों नए इनोवेशंस को जन्म देगा। ये पब्लिक ओरिएंटेड गवर्नेंस का एक मॉडल बनकर ऐसे ही जनता की सेवा करता रहेगा। इसी विश्वास के साथ 20 वर्ष इस तवारीख को याद रख करके फिर से एक बार मुझे आप सबके बीच आने का आपने अवसर दिया, क्योंकि मैं तो काम करते करते आगे बढ़ता चला गया। अब इसको 20 साल हो गए, वह जब आपका इस कार्यक्रम का निमंत्रण आया तब पता चला। लेकिन मुझे खुशी हुई कि गवर्नेंस के इनिशिएटिव का भी इस प्रकार से उत्सव मनाया जाए, ताकि उसमें एक नए प्राण आते हैं, नई चेतना आती है।
अब स्वागत कार्यक्रम और अधिक उत्साह से, और अधिक उमंग से, और अधिक विश्वसनीयता से आगे बढ़ेगा, ये मेरा पक्का विश्वास है। मैं सभी मेरे गुजरात के प्यारे भाइयों बहनों को अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। और एक हफ्ते के बाद 1 मई गुजरात का स्थापना दिवस भी होगा, और गुजरात तो अपने आप में स्थापना दिवस को भी विकास का अवसर बना देता है, विकास का उत्सव बना देता है, तो बड़ी धूमधाम से तैयारियां चलती होगी। मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, बहुत बहुत बधाई।